दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप आधार कार्ड में जो अपना मोबाइल नंबर है कैसे लिंक कर सकते हैं घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। जिसके लिए करना क्या है, आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर में आपने एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है पोस्ट इन्फो। पोस्ट इन्फो ये वाला जो पहला आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। ये पोस्ट इन्फो जो है पोस्ट ऑफिस का एक ऐप है, इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। तो ये ऐप ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको आना है सर्विस रिक्वेस्ट पे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट आपको जैसे हमें अभी आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट का, तो इस पे क्लिक करना है आपने। एंड यहाँ से आपको रिक्वेस्ट रेज करनी है पोस्ट ऑफिस को आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए। इसे जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, ये सिंपल सा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम डालना है एंड यहाँ पे आप एड्रेस फिल करना है एंड नीचे यहाँ पे आपको आपका एरिया का पिन कोड डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपने ईमेल आईडी डालनी है एंड यहाँ से आपको सर्विस के लिए, जिस सर्विस के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कई सारी सर्विसेज के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मेल बुकिंग, मेल डिलीवरी, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज। यहाँ नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आईपीपीबी यानी आधार सर्विसेज का ऑप्शन रहता है, इस पे आपने क्लिक करना है। एंड देन आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपके सामने दो ऑप्शन रहेंगे। एक आपको इनरोलमेंट कराना है 0 से 5 साल के बच्चे का, तो या आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को लिंक करना है आधार में, तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि तो मोबाइल नंबर लिंक कराना है आधार पे। एंड देन आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, जो आपने नंबर एंटर किया है उस पे एक ओटीपी आएगा, वो आपको दोबारा से यहाँ डालना होगा। इस तरह से दोस्तों आपके जो नंबर एंटर किया उस पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है एंड ओटीपी फिल करने के बाद में कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर, ये आपका रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है। ये आपके जो मोबाइल नंबर एंटर किया उस पे भी मैसेज के थ्रू सेंड कर दिया जाता है। उसके अलावा आप ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर नोट कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, आप सर्विस रिक्वेस्ट करते हैं बट उस पे कोई एक्शन नहीं होता है, तो उस केस में आपके पास सर्विस का रिक्वेस्ट नंबर वो होना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप इसके अगेंस्ट में अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। और इस आप सर्विस रिक्वेस्ट के थ्रू आप अपना ट्रैक भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप रिक्वेस्ट ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंस रिक्वेस्ट नंबर डालेंगे, यहाँ पे फेच पे क्लिक करेंगे तो आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, इनकेस आपकी रिक्वेस्ट पे कोई कार्यवाही नहीं होती तो आप इसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, क्वेरी रेज कर सकते हैं। वो कैसे करना, वो उसके लिए आपको होम पेज पे बैक वापिस आ जाना है एंड होम पेज पे जहाँ पे यहाँ पे आ जाते हैं, ये जैसे सर्विस रिक्वेस्ट है इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की साइड में तो यहाँ पे आपको फीडबैक का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको फीडबैक के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने जो रिक्वेस्ट किया था उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। जैसा दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका कस्टमर फीडबैक का ऑप्शन रहता है। अब यहाँ पे जो है आपको डिटेल भी फिल करनी होती है, यहाँ से आपको सर्विस टाइप सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे कई सारी सर्विसेज, इनके अगेंस्ट में अगर कोई फीडबैक देना है तो आप
यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपने मोबाइल नंबर में आधार लिंक करने के लिए किया है, नहीं हुआ तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन आता है, उस पे टिक करके और यहाँ से आपने अपना नाम फिल करना है, मिस्टर मिसेज जो भी है यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद में यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, यहाँ से स्टेट यूनियन टेरेटरी एंड यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, देन यहाँ पे आपको मेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है डिटेल में कि आपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए सर्विस रिक्वेस्ट की थी, जिसका रेफरेंस नंबर ये है, वो रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे एंटर करेंगे, बट कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला, कोई सोल्यूशन नहीं मिला, वो सारी चीजें यहाँ पे एंटर करके एंड ये आपको जो कैप्चर शो कर रहा है यहाँ पे एंटर करके आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस पे, इसको एक्सेप्ट करने के बाद में सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे करते हैं ये आपकी फीडबैक सबमिट हो जाता है, पोस्ट ऑफिस को चला जाता है एंड वहाँ से आपकी जो भी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाती है। इस सर्विस रिक्वेस्ट को आप कंप्लेन करते हैं तो यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं, यहाँ पे कंप्लेन ट्रैकिंग का ऑप्शन रहता है फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे आप अपना कंप्लेन नंबर डाल के उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इससे दोस्तों बहुत ही आसानी से आप अपने आधार में अपना मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं घर बैठे। जैसे ये रिक्वेस्ट जाती है पोस्ट ऑफिस को तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक एजेंट आता है, जो भी पोस्ट ऑफिस मैन होते हैं वो आके आपके घर पे आपका आधार के साथ में मोबाइल नंबर लिंक कर देंगे, और आपका जो 0 से 5 ईयर का बच्चे का एनरोलमेंट कराना है तो वो भी यहाँ से हो जाएगा, जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।